कन्नौज जिले में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव के डिग्री कॉलेज में रात के वक्त अपने साथ नाबालिग भतीजी को ले जाने वाली आरोपी बुआ को पुलिस ने आखिर बुधवार को तीरवा से गिरफ्तार कर लिया है। बुआ ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि घटना के बाद जब उसने खुद को भी इस मामले में फंसते देखा तो गिरफ्तारी के डर से फरार हो गई थी। पुलिस ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में उसे भी आरोपी बनाया था। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बीती 11 अगस्त की रात को एक किशोरी ने डायल 112 पर कॉल करके चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय में उसके साथ दुष्कर्म होने की सूचना दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो अंगापुर निवासी नवाब सिंह यादव एक कमरे में पड़े बेड पर अंडरवियर में लेटा था। पास ही कुर्सी पर पीड़िता की बुआ बैठी थी। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि बुआ उसे नौकरी दिलाने के नाम पर यहां लाई थी। बातचीत के दौरान बुआ टॉयलेट जाने के बहाने भतीजी को नवाब सिंह के पास कमरे में छोड़कर चली गई। तभी नवाब सिंह ने किशोरी का जबरन टॉप उतार दिया। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवाब को गिरफ्तार कर 12 अगस्त को जेल भेज दिया था। इसके बाद पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। किशोरी के कोर्ट में दिए बयान का अवलोकन किया गया और तकनीकी साक्ष्य संकलन से बुआ की भी प्रकरण में संलिप्तता पाई गई। इसी आधार पर उसे भी आरोपी बनाया गया था, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। एसपी ने बताया कि 12 अगस्त को पीड़िता के साथ उसकी बुआ भी कोतवाली में मुकदमा लिखाने गई थी। जब पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया तो वो बाधा डालने गई। इसके साथ साथ कार्रवाई में भी पुलिस का सहयोग नहीं किया। अगले दिन जब किशोरी के माता पिता आए तो उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी बुआ ने उन्हें कोई सूचना नहीं दी थी। उन्होंने बुआ पर कई संगीन आरोप भी लगाए। जब पूछताछ के लिए उसे कोतवाली बुलाया गया तो वो फरार हो गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी बुआ के नवाब सिंह यादव से कई सालों से अवैध संबंध थे। पूछताछ में बुआ ने पुलिस को बताया कि नवाब सिंह यादव को वो पिछले 5-6 सालों से जानती है और उसके नवाब सिंह यादव से शारीरिक संबंध भी थे। 11 अगस्त को नवाब ने उसे कॉल करके कॉलेज में बुलाया था। वो लखनऊ में भतीजी के साथ थी, जहां से नवाब के कहने पर भतीजी को साथ लेकर कॉलेज पहुंची थी। एसपी ने आगे ये भी बताया कि पूछताछ में आरोपी बुआ ने बताया कि जब उनकी भतीजी का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा था तो नवाब सिंह के छोटे भाई नीलू यादव ने मेडिकल न कराने और न्यायालय में बयान से पलटने पर 10 लाख रुपए देने का लालच दिया था। इसी वजह से वो भतीजी का मेडिकल परीक्षण कराने से मना कर रही थी। नीलू ने ही कुछ अन्य लोगों के नाम लेने को कहा था, जिससे विवेचना प्रभावित हो सके। इस आधार पर पुलिस पूर्व ब्लॉक प्रमुख नीलू यादव को भी अभियुक्त बना सकती है। कोर्ट ने आरोपी बुआ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि बुआ के मामले में अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी। वहीं मुख्य आरोपी नवाब सिंह यादव के रिमांड पर अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। इसमें न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए और बढ़ाया जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।